नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी और एक एक ग्रह का रेमेडीज बताऊंगी और सूर्य ग्रह का रेमेडीज बताऊंगी और इस तरह से रेमेडीज बताऊंगी, आप उसको मंत्र के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, आप उसको रत्न के द्वारा भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, बिल्कुल लास्ट तक आप लोग बने रहें, हो ना हो कुछ टॉपिक ना छूट जाए कुछ ऐसा चीज़। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हथेली में 5 मुद्राएं होती है, फिंगर में 5 एलिमेंट होते हैं, थंब जो कि आपको फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपका इंडेक्स फिंगर जो कि आपके एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपका मिडिल फिंगर जो कि स्काई एलिमेंट को आकाश तत्व को करता है, रिंग फिंगर जो कि अर्थ एलिमेंट को, और आपका लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आपका सूर्य, सबसे पहले हम लोग ग्रहों के राजा की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं और सूर्य से रिलेटेड रेमेडीज की बात करते हैं। देखिए, सूर्य अगर आपके कुंडली में आपके हाथ में खराब है या फिर लाइफ में जबरदस्त स्ट्रगल है, आपके लाइफ में जबरदस्त का स्ट्रगल है और कोई सफल नहीं हो रही, मान सम्मान नहीं मिल रहे, करते बहुत हैं पाते बहुत कम हैं, ज़्यादा मेहनत कम सफलता, यानी कि आपका कहीं ना कहीं सूर्य डाउन है। तो देखिए, कोई भी ग्रह, देखिए ईश्वर से ना भावनात्मक रूप से आप जुड़े, अगर आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनको सोना चढ़ा दें या फिर डायमंड चढ़ा दें या फिर बहुत ज़्यादा धूप अगरबत्ती जला दें, नहीं होंगे प्रसन्न। आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे आप भावनात्मक रूप से जुड़े। जैसे ही आप भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे वो चीज़ आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सूर्य का मंत्र रहता है, बहुत सिंपल मंत्र तो बहुत ज़्यादा है, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, बट क्या आजकल बिजी लाइफ है, टाइम नहीं मिल रहा है, क्या करें, बस छोटा सा मंत्र है, ओम ग्रीणी सूर्याय नमः, ओम ग्रीणी सूर्याय नमः, ओम ग्रीणी सूर्याय नमः, ये एक माला 108 है ना 108 बार आप जरूर जाप करें, सुबह सुबह जाप करें, सूर्योदय के टाइम जब सूर्य उदित हो रहे हैं एक घंटे के अंदर आप जल दें, तांबे के पात्र में जल दें और वहीं पे खड़े होके आप इस मंत्र का जाप करें एक। और देखिए, मंत्र भी आपको पता होना चाहिए, मंत्र भी 4 प्रकार से जाप किए जाते हैं। पहला जो विधि होता है जिसे कि हम लोग वेखरी विधि कहते हैं, वेखरी विधि में क्या होता है, जब आप मंत्र को उच्च स्वर में, यानी कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका पड़ोसी आपके बगल वाला सुन रहा है, इसे हम लोग वेखरी विधि बोलते हैं। इसमें जो है ना मंत्र का जाप बहुत ज़्यादा उच्च स्वर में होता है, जब आप नया नया करेंगे तो आपका स्वर ज़्यादा होगा ही, तो एक विधि, तो ये विधि है। दूसरी विधि जो है वो है मध्यमा विधि, है ना, मध्यमा विधि में सिर्फ होंठ हिलते हैं, ठीक है, आवाज़ नहीं निकलेगी लेकिन होंठ हिलेंगे, अंदर ही अंदर मंत्र का जाप चलता रहता है, ध्वनि बाहर नहीं निकलता है। और तीसरी जो विधि होती है पश्यंती विधि कहलाती है, ठीक है, इसमें ना होंठ हिलेंगे ना आवाज़ निकलेगी। देखिए, पहली विधि में स्वर ऊपर रहेगा, दूसरी विधि में सिर्फ होंठ हिलेंगे, तीसरी विधि में ना होंठ हिलेंगे ना आवाज़ बाहर निकलेंगे, मन में चलता रहेगा। और चौथी विधि जो परा विधि होता है, ये सबसे उत्तम विधि बोली जाती है, जब आप मंत्र जाप करते करते बहुत टाइम हो जाएगा तो आपका मन जो ये सबकॉन्शियस माइंड में आपका घूमता रहेगा, बैठ जाएगा, फिर आपका ना मन इधर उधर जाएगा, ना होंठ हिलेगा, ना आवाज़ निकलेगा और एकदम स्वयं मंत्रमय हो जाएंगे आप, है ना। तो इस तरह से मंत्र का जाप कब करेंगे, तो ये मंत्र जाप करने से सबसे ज़्यादा सफलता मिलती है, जिसको कि हम लोग परा विधि बोलते हैं, चौथा विधि जो होता है, लेकिन उस स्तर तक जाते जाते टाइम लगता है, आप शुरुआती दौर में ही वेखरी विधि से ही आप कर सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो आपका सूर्य स्ट्रांग हो गया। और मैं बताती हूँ, देखिए पहला विधि बताया उससे प्रभावशाली, दूसरा विधि, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा विधि सबसे प्रभावशाली होगा। देखिए, सूर्य देव की 3 टाइम पूजा होती है, सुबह, दोपहर और उसके बाद शाम में सूर्यास्त में, है ना, तो ये तीनों टाइम आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तीनों टाइम पूजा कर सकते हैं अगर सूर्य को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है। और हमेशा सूर्य देव की छवि मन में रहनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है ना, मेरे ये चैनल को तो आप इंडिया में भी देखते हैं, इंडिया से बाहर भी देखा जाता है, तो कहीं पे ये व्यवस्था नहीं होती है कि सूर्य देव का लाइव हम लोग दर्शन करें। हम लोग बहुत लकी हैं इंडियन जो हम लोग सूर्य का लाइव दर्शन करते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल दर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए मन से अगर कोई चीज़ करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है। आपके पास सब कुछ पुष्प नहीं है तो आप मन का भी पुष्प से आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार से भगवान की छवि को मन में आप रख के समझो कि आप उनके सामने मंत्र जाप कर रहे हो, सामने सूर्य देव हैं, इस प्रकार से मन की छवि में रख के आप धूप अगरबत्ती लगा के पूजा कर सकते हो, मंत्र का जाप कर सकते हो। और हमेशा आपका जो मुख होता है होना चाहिए उत्तर और पूर्व की दिशा में होनी चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। अगर रत्न आप पहनना चाहते हो तो माणिक रत्न पहन लीजिए, इसमें मेटल में हो जाएगा आपका तांबा, है ना, तो ये सारे चीज़ को आप पहन सकते हैं, कर सकते हैं। तो और देखिए, इसके लिए जो है ना आप इलायची, देवदार, कुमकुम, असीर, ये सारे जो पौधे पुष्प रस मिला के भी स्नान वगैरह कर सकते हैं, तो इससे भी आपका सूर्य स्ट्रांग होगा।
तो एक एक ग्रह के बारे में मैं बताऊंगी। आज मैं आपको सूर्य देव के बारे में बताऊंगी। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। जैसे ही सूर्य स्ट्रांग होगा वैसे ही देखना लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, मान सम्मान मिलनी शुरू हो जाएगी, पिता के साथ आपका संबंध अच्छा होना, पिता के साथ संबंध अच्छा रखते हैं उसमें भी आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। वैसे ही आपको रोजगार संबंधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे बोलते हैं मुझे रोजगार संबंधी, मुझे जल देते हुए इतने टाइम हो गए हैं अभी तक नहीं मिला है। तो तरीके से दीजिए, बिल्कुल मिलेगा सफलता, क्यों नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।